आप सभी लोगों का स्वागत है रेलवे एनटीपीसी के बैच में। इस बैच में हम लोग अपने गणित विषय के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में संख्या पद्धति इस चैप्टर के टोटल 32 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो संख्या पद्धति हमारा चैप्टर है, इसके टोटल 32 क्वेश्चन हमने अपने पिछले लेक्चर तक सॉल्व किए हैं और आज हमें उसी के आगे अपने 33 नंबर से अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करना है। ये सारे प्रश्न आपके घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं। तो चलिए रेलवे एनटीपीसी में हम लोग अपने सारे मैथ के प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज में आज अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति चैप्टर का ये 33 नंबर का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अपने पहले नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, तब तक हम लोग पेन का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको 24 दिया गया है, उनके वर्गों का योग आपको कितना दिया है, 52 दिया गया है, 52 दिया गया है, तो इनका योगफल कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो दो संख्याएं मान लेते हैं, संख्याएं हम ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, इनका गुणनफल आपको दिया गया है कितना, 54, और इनके वर्गों का योग, तो वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग आएगा ए स्क्वायर, बी का वर्ग आएगा बी स्क्वायर, और योग निकालना है ये मतलब योगफल निकालना है, यानी बीच में जोड़ना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का मान आपको दिया गया है कितना, 52 दिया गया है। निकालना क्या है, इनका योगफल कितना होगा, इनका योगफल का मतलब ए प्लस बी का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे एक छोटा सा फार्मूला पूछ रहा है जो कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा। कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये छोटा सा फार्मूला आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, यही फार्मूला हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको पता है, रख दीजिए कितना, 52, और प्लस के 2 इंटू ए बी का मान पता है, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए बी का मान पता है कितना आपको, 24। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 52, यहाँ पर 24 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 48। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 52 और 48 को ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों तरफ आप क्या कर लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, तो यहाँ पर ए प्लस बी बचेगा और यहाँ पर 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 बचेगा। यही ए प्लस बी का मान निकालना था, उनका योगफल यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल निकालना था। योगफल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी से आपका मैच कर रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की, ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साधारण तरीके से प्रश्न को सॉल्व करिए और साधारण तरीके से अपना आंसर निकालिए। इससे पहले के जो अपने लेक्चर हम लोगों ने संख्या पद्धति में पढ़े हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिले हैं और सारे प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराया गया है। तो पिछले लेक्चर आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 34 नंबर के प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, इसको आप एक बार देख लीजिए। प्रश्न में कहा गया है यदि दो अंकों का योग एक्स वाई है, तो कहने का मतलब हम संख्या मान लेते हैं, एक्स वाई एक संख्या मान लेते हैं। ठीक है, दो अंकों का योग यहाँ पर 9 दिया गया है, तो संख्या हम लोग एक्स वाई मान लें, तो इसमें अंक हमारे एक्स वाई हो जाएंगे, इनका योगफल कितना है, 9 है। और दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो जो दहाई का अंक है इसमें दहाई का अंक एक्स है और इकाई का अंक कितना है, वाई है, इसका अंतर कितना है, 1 है। तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। आपको एग्जाम में इस प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखना है, पेन भी नहीं चलाना है। कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बाई ऑप्शन आपको सॉल्व करना है। ये तरीका आपको बहुत सारे प्रश्नों में बताया गया है, तो इस प्रश्न में आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, दो अंकों का योग 9 है, तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए इसमें दो दो अंक सबके लिखे गए हैं, सबको जोड़ दीजिए, देखिए किस में 9 आ रहा है। तो पहले में भी 4, 5, 9, 6, 3, 9, 5, 4, 9 और 7, 2, 9, तो पहले विकल्प से अगर हम दो अंकों का योग 9 है ये निकाल लें तो हमारे चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब दूसरे विकल्प पे आते हैं, जो हमारा दूसरी कंडीशन दी गई है। दूसरी कंडीशन में दिया गया है दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, यानी दहाई का अंक बड़ा है, इकाई का अंक छोटा है। तो यहाँ पर देखिए 45 में आपका इकाई का अंक बड़ा है, दहाई का अंक छोटा है, तो ये नहीं चाहिए, हमें दहाई का अंक बड़ा होना चाहिए और अंतर 1 होना चाहिए। यहाँ पर दहाई का अंक बड़ा है लेकिन अंतर इसमें 3 है, तो ये भी हमारा विकल्प सही नहीं होगा।
यहाँ पर दहाई का अंक बड़ा है लेकिन अंतर इसमें एक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, यहाँ दहाई का अंक 7 है, यहाँ 5 है, तो अंतर इसमें 5 होगा। 5 अंतर नहीं चाहिए हमें, अंतर कितना चाहिए, अंतर एक चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो क्लियर, ये तो जो आपको x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 1 लिखा गया है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया था, लेकिन आपको ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना पेन की मदद से, ये 34 नंबर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 35 नंबर के प्रश्न पर। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार यही देखा गया है, कभी कभी किसी शिफ्ट में ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं, और ऐसे प्रश्नों में स्टूडेंट 30 जो अपने मैथ के क्वेश्चन होते हैं उसमें 25, 26, 27, 28 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये 35 नंबर का क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। प्रश्न में लिखा गया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, आप 1 लिख के 4 जीरो लगा दीजिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, 4 बार आप 9 लिख दीजिए, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, के बीच अंतर निकालना है, अंतर मतलब निकालने का मतलब घटाना है, तो चलिए घटा दीजिए, 10,000 में से 9,999 घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका 1 आएगा, 10,000 में से 9,999 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो अंतर हमारा कितना रहेगा, 1 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो इतने छोटे से सवाल कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, ये समझिए फ्री के नंबर देने वाले प्रश्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 36 नंबर के प्रश्न पर। हाँ, ये हमारा बढ़िया प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न हम लोग अपने संख्या पद्धति के दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो इसका हम लोग डिटेल में नहीं समझेंगे। इस प्रश्न को डिटेल में समझने के लिए आप संख्या पद्धति का जो दूसरा लेक्चर है उसको आप जाके देख लीजिएगा। प्रश्न को पढ़ते हैं, 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों के स्थान आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग कितना है, 32 है। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा गया है, इन सारे स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है अपने लेक्चर दूसरे में, संख्या पद्धति का जो दूसरा लेक्चर है, तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में समझाते हैं। तो अगर आपको दिया गया है संख्याओं का योग, जो आपको संख्याओं का योग दिया होता है, ठीक है, इसमें जब आप किससे 11 से भाग करते हैं तो आपको क्या निकल के आता है, आपको निकल के आता है अंकों का योग निकल के आता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये कैसे होता है इसी चीज को लेक्चर 2 में समझाया गया है। तो यहां पर देखिए, 2 अंकों की एक संख्या है और उनके स्थान को आपस में बदल दिया जाता है। मान लेते हैं जैसे कि कोई एक संख्या मान लेते हैं, यहां पर लिखते हैं एक्स वाई संख्या मान लेते हैं, जब स्थान बदल देंगे यानी इकाई को दहाई और दहाई को इकाई कर देंगे तो ये संख्या आपकी वाई एक्स हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में अगर हम दोनों को जोड़ें, ठीक है, दोनों संख्याओं को जोड़ें तो कितना मिलता है, 132 मिलता है। तो संख्याओं का योग दिया हो, इसमें 11 का भाग करते हैं तो संख्याओं का योग कितना है, 132 आपको प्रश्न में दिया गया है, इसमें 11 का भाग कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 11 कम 11 11 दुनी 22, तो अंकों का योग आपको मिल जाता है। अंकों का योग क्या है, x प्लस y का मान आपको मिल जाता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि अंकों का अंतर 4 हो, ये आपके प्रश्न में दिया गया है, अंकों का अंतर यानी x माइनस y का मतलब आपको 4 दिया गया हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं हमारी क्या हो सकती हैं। तो x प्लस y हमने निकाला है, x माइनस y का मान हमें दिया गया है 4। चलिए x का मान डायरेक्ट हम लोग निकाल देते हैं, डायरेक्ट आप लोग x का मान निकाल सकते हैं। जब x प्लस y बराबर कुछ लिखा गया हो, यहाँ पर 12 दिया गया है, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4 लिखा गया है, तो ऐसी कंडीशन में x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए ये दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, यानी कि 12 प्लस 4 जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। ये तरीका बहुत बार बताया जा चुका है। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें y का मान निकालना हो तो क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा देते हैं, यानी कि 12 में से 4 घटा दीजिए और फिर 2 का भाग कर दीजिए, तो y बराबर कितना आएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8 आएगा, 8 में 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x का मान हमारा 8 है और y का मान हमारा 4 है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी 84, 84 अथवा 84, 4 को हम पहले भी लिख सकते हैं,
84 अथवा 48, ये हमारी संख्याएं रहेंगी। ठीक है, 84 ही आपकी संख्या नहीं होगी, आपकी 48 भी संख्या हो सकती है, क्योंकि वाई आपका पहले आ सकता है और एक्स आपका बाद में भी आ सकता है। तो आपके जो विकल्प दिए रहेंगे या तो 84 दिया रहेगा या फिर 48 दिया रहेगा। तो विकल्प कहाँ पर है, विकल्प आपके बीम से आपका मैच कर रहा है 84, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगर यहाँ पर ये प्रश्न लिखा गया होता कि दहाई का अंक बड़ा है या इकाई का अंक बड़ा है, तो वहाँ पर हम कंफर्म हो जाते कि हमारी कौन सी संख्या होगी, 84 होगी या फिर 48 होगी। जैसे कि आपको प्रश्न में लिखा गया होता कि दहाई का अंक बड़ा है और इकाई का अंक छोटा है, ऐसा कोई हिंट दिया होता या कोई ट्रिक दिया होता, तो वहाँ पर समझ जाते कि 84 हमारा आंसर होगा। लेकिन ऐसा कुछ प्रश्न में नहीं लिखा गया है, यानी कि हमारा आंसर 84 भी हो सकता है और 48 भी हो सकता है। लेकिन आपके जो ऑप्शन दिए रहेंगे, विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से दोनों में से कोई एक संख्या ही दी हो गई। तो यहाँ पर विकल्प आप देख सकते हैं, 84 आपके विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। और इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग डिटेल में अपने पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, तो डिटेल आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 37 नंबर के प्रश्न पर। चलिए, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको पहले साधारण तरीके से समझते हैं और फिर इसको फार्मूले के तरीके से समझते हैं। प्रश्न में लिखा गया है 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या होगा। तो 12 के 20 गुणकों मतलब गुणज यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो 12 के प्रथम 20 गुणज का औसत क्या होगा, यही निकालना है। तो गुणज का मतलब होता है 12 का पहाड़ा, पढ़िए। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दुनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ऐसे पढ़िए। कितनी बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए। तो 12 का पहाड़ा अगर 20 बार पढ़ेंगे तो यानी कि 12 का 20 में गुणा करेंगे, तो 12 का 20 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12 दुनी 24 यानी कि 240 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए इन सारी संख्याओं को क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बीच की संख्याएं हमने नहीं लिखी हैं। और औसत निकालने के लिए सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग कर दीजिए। तो कुल ये कितनी संख्याएं हैं, कुल ये 20 संख्याएं हैं, बीच वाली संख्या हमने नहीं लिखी है। तो 12, 24, 36, 48 ऐसे 12 का पहाड़ा पढ़ते रहिए। कितनी बार पढ़ना है, 20 बार पढ़ना है। और किसका पहाड़ा पढ़ना है, 12 का पहाड़ा पढ़ना है। उन सबको जोड़ दीजिए, जितनी संख्याएं होंगी उससे भाग कर दीजिए। तो यही आपका औसत होता है। ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, औसत का कॉन्सेप्ट होता है, आपका औसत निकल आएगा। तो ये तो सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मतलब ये सिंपल तरीका इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आप फार्मूले भूल जाते हैं या कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो सिंपल तरीका आपको याद रहेगा, तो उस तरीके से भी प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रश्न आया और आप फार्मूले भूल गए तो एग्जाम में ये प्रश्न छोड़ के आ जाए, तो छोड़ के आने वाली काम नहीं करना है। अब इसका हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं क्या होता है। फार्मूले में जो संख्या हमारी दी गई होती है उसको हम लोग एक्स कहते हैं। तो संख्या कौन सी दी गई है, 12, क्योंकि हमें 12 का गुणज निकालना है। ठीक है, दूसरा होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो पदों की संख्या को हम लोग एन कहते हैं, यानी जितनी बार हमें गुणा करना है। तो कितनी बार करना है, 20 बार गुणा करना है, क्योंकि 20 गुणज हमें निकालना है। तो पदों की संख्या एन की वैल्यू 20 है। जिसका पहाड़ा पढ़ना होता है उसको हम लोग संख्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर एक्स है। अब फार्मूला क्या होता है, गुणजों के औसत का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स मल्टीप्लाई एन प्लस वन और डिवाइड बाई टू। ये हमारा फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप रख लीजिएगा, एक्स और ब्रेकेट में एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये हमारा गुणजों के औसत का फार्मूला होता है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू एन की वैल्यू है 20 और प्लस 1, और इसमें डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है। 2 को इससे कैंसिल आउट करते हैं, ये 6 बार कटेगा, ये हो जाएगा 21, ये 6 मल्टीप्लाई वाई हो गया 21, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6 और 6 दुनी 12 यानी कि 126 हमारा आंसर आएगा। 126 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो 37 नंबर का क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला याद करना है, गुणजों के औसत का फार्मूला होता है एक्स इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, इससे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से लगाना हो तो यहाँ पर सिंपल तरीका भी आपको बताया गया है। एक्स क्या होता है, जो हमारी संख्या होती है जिसका हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी जिसके गुणज निकालते हैं, वो हमारा एक्स होता है। और पदों की संख्या जितनी बार गुणा करते हैं उसको हम पदों की संख्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं, उसकी वैल्यू हमारे एन के बराबर होती है। तो ठीक है, फार्मूला आप रट लीजिएगा, आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 38 नंबर के प्रश्न पर।
38 नंबर का जो हमारा प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको अगर डिटेल में हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन इसको जो प्रश्न लिखा गया है सिर्फ उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न में लिखा गया है जब 4 की घात 13, यानी यहाँ 4 लिखा है, 4 की घात आपको 13 दिया गया है, को 3 से विभाजित करें, यानी इसमें 3 का आप भाग करिए तो शेष कितना बचेगा ये निकालना है। तो ऐसे करने के लिए जो शेषफल प्रमेय होती है उसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उसको आपको सीखना होगा, लेकिन उतनी डिटेल में हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ इसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में कौन सा कॉन्सेप्ट लेगा, इस प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखिएगा। ये जो घाते 13 लिखी गई है इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ शेष निकालना है, ठीक है। तो घात 13 से अभी आपका कोई मतलब नहीं है, क्या करिए इस 3 का भाग इस आधार 4 में कर दीजिए। तो 3 का भाग अगर 4 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा इससे हमारा कोई मतलब नहीं, कितनी बार जाएगा उससे हमारा कोई मतलब नहीं, कितना हमारा शेष बचेगा सिर्फ इससे हमारा मतलब है। तो 3 का भाग जब आप 4 में करेंगे तो 3 एकम 3 एक बार जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। शेष कितना बचा, शेष आपका 1 बचा है। अब 1 पर जो आप शेष बचा है ये जो घात लगी है 13, ये 13 घात लगा दीजिए तो शेष आपका 1 बचा है, और 1 पे घात हमारी कितनी है 13 है, तो 1 पर चाहे जितनी घात हो हमारा आंसर कितना आता है 1 आता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ऐसे सारे प्रश्नों में 4 की घात 13, 4 की घात 13 का मतलब होता है 4 को आप 13 बार गुणा करिए, 4 को इस तरह कितनी बार गुणा करना है 13 बार आपको गुणा करना है, ठीक है। तो अब इसमें फिर 3 का भाग करिए और फिर निकालिए कि कितना शेष बचेगा, ये तो सिंपल तरीका हो गया। ऐसे करेंगे तब तो करते ही रह जाएंगे, ऐसे प्रश्न तो नहीं करना है। तो इसमें ट्रिक कौन सी लगानी है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि 3 का भाग इस सिर्फ आधार जो 4 है सिर्फ इसमें करिए, घातों से अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। तो 3 का भाग हमने 4 में किया तो शेष कितना बचा है 1 बचा, हमें सिर्फ शेष से मतलब है, कितनी बार भाग जाएगा इससे कोई मतलब नहीं। जो आपका शेष बचा है उस पर जो ऊपर वाली घात थी वही घात लगा दीजिए तो 1 पे घात आपका 13 आ जाएगा। 1 पे घात 13 का आप मान निकालेंगे, यानी 1 पर कोई कितनी भी घात हो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर जो रहेगा, आंसर ए हमारा, विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगाइएगा, ठीक है, तुरंत आंसर आ जाएगा, मौखिक रूप से आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा कि 4 घात 13 का मतलब 4 का आप 13 बार गुणा करिए और फिर उसमें 3 का भाग करिए, तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 39 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न में लिखा गया है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अभी तक सारे प्रश्नों में क्या लिखा रहता था कि यहां पर क्या घटाया जाए, यहां पर क्या लिखा है क्या जोड़ा जाए, तो प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिएगा, 1739 लिख लीजिएगा और इसमें से 11 का भाग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, 11 एकम 11 बचेगा, यहाँ कर कितना बचेगा 6 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, तो 11 5 55 रहेगा, 55 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पर 9 रहेगा तो 11 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 1 बढ़ रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि क्या घटाया जाए जिससे ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो हम कहते हैं भैया 1 घटा दो, 1 घटाने से ये 1738 हो जाएगा और पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए आपका 1 बढ़ रहा है, 11 से विभाजित होने के लिए इसमें आप अगर 10 और जोड़ दें, 11 से विभाजित होने के लिए इसमें आप 10 और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, इस प्रकार आप 11 से विभाजित हो जाएगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको 11 से विभाजित करने के लिए 11 बनाना पड़ेगा, और 11 बनाने के लिए 1 तो आपके पास पहले से ही है और 10 और जोड़ देंगे तो आपका 11 हो जाएगा। इसको आप कन्फर्म भी कर सकते हैं, कन्फर्म कैसे कर सकते हैं, 1739 है इसमें आप 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1749 हो जाएगा, इसमें आप 11 से भाग कर दीजिए, आपका पूरी तरह से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जोड़ा जाएगा, 10 जोड़ा जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछा जाता क्या घटाया जाए, तो आप 1 घटाते, तो 11 बनाने के लिए हमें 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 हटाने के लिए हमें 1 को हटाना पड़ेगा, यानी 11 से विभाजित करने के लिए घटाने वाला पूछा जाए तो 1 घटा देना है, जोड़ने वाला पूछा जाए तो हमें 10 जोड़ना है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है,
10, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों में आप भाग करके देख लीजिए, जो एक्स्ट्रा आता है उसको हम लोग घटाते हैं और जितनी की कमी होती है उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 10 की कमी थी इसलिए 10 जोड़ा गया है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा ही समझा दिया गया है प्रश्न में, आगे बढ़ते हैं अपने 40 नंबर के प्रश्न पर। ये सारे प्रश्न आपके मौखिक प्रश्न हैं जो 40 नंबर का लिखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। अब यहाँ पर समांतर माध्य का आपको फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक और कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं आपकी बहुत छोटी छोटी दी गई हैं। 15 और 85 के बीच में निकालना है तो 7 का पहाड़ा भी तो पढ़ सकते हैं, जो 7 का पहाड़ा जिसमें जाएगा वही संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये दोनों संख्याएं तो 15 से कम होती हैं, इसलिए हम लोग उसको लिखेंगे ही नहीं। तो उसके आगे पढ़ते हैं तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 और 7 छक 42, 7 सताई 49, 7 अठे 56, 7 नवाई 63, 7 दहम्मा 70। ये हमारी संख्याएं हो गई। इसके आगे भी क्योंकि 85 तक लिखना है तो फिर 70 के आगे 77 जो गिनती होगी, 7 इसमें और जोड़ देंगे तो 77 आ जाएगा, ये भी आपके 7 से कैंसिल आउट हो जाएगी और 77 में आप 7 जोड़ देंगे तो 84 आ जाएगा, ये भी आपके 7 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये सारी गिनतियाँ कौन सी गिनती है, 15 से 85 के बीच में गिनती है जो 7 से विभाजित हो रही है, तो उसको जोड़ लीजिए। कुल कितनी गिनती हैं, 4 4 8 और 2 10, 10 गिनतियाँ ऐसी मिलेंगी जो आपको 7 से विभाजित रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें कोई ट्रिक और कोई फार्मूला लगाने की आप कोशिश मत करिएगा, जब तक आप फार्मूला लगाएंगे तब तक तो आप 7 का पहाड़ा पढ़कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल 10 ऐसी गिनतियाँ होंगी जो 15 और 85 के बीच में 7 से विभाजित रहेंगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 41 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न में समीकरण दिया गया है P, यहां पर 7 लिखा गया है, यहां 1 लिखा गया है, यहां पर 3 लिखा है, को 11 से विभाजित करें, ठीक है, 11 से भाग करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि P का मान हमें निकालना है और वो कैसे होनी चाहिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो यानी कि 11 से विभाजिता का नियम आपको पता होना चाहिए। 11 से विभाजिता का नियम जो होता है वो क्या होता है, जो विषम स्थान पर आपकी संख्या होती है उसका योग निकाल लीजिए, और जो सम स्थान पर आपकी संख्या होती है, सम स्थान की जो संख्या होती है उसका योग निकाल लीजिए। ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 0 के बराबर आना चाहिए या 11 के बराबर आना चाहिए या फिर 22 के बराबर आना चाहिए। तो ये सारी संख्याएं अगर ऐसी आती हैं तो ये सारी संख्याएं आपकी किससे कैंसिल आउट हो जाती हैं, 11 से कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो विषम स्थान की संख्या माइनस के सम स्थान की संख्या का योग निकालते हैं, अगर वहां पर 0 आ जाता है या फिर कभी कभी 11 भी आता है तो ऐसी कंडीशन में ये सारी संख्याएं हमारी 11 से डिवाइड होती हैं। तो यहाँ पर देखिए विषम स्थान पर कौन है, पी है और एक है, ठीक है, यानी कि यहीं पर लिखते हैं पी प्लस एक। इसमें से क्या घटाएं, सम स्थान पे कौन है, यहाँ 7 है और 3 है, तो 7 प्लस 3, तो 7 प्लस 3 ये हमें घटाना है। ये कितना आना चाहिए, ये हमारा 0 आना चाहिए, क्लियर, 0 ही लेके चलते हैं क्योंकि सबसे छोटी संख्या निकालना है तो 0 लेके चलना पड़ेगा। अगर आप बड़ी संख्या पूछा जाता है तो 11 और 22 लेके चलती, लेकिन बड़ी संख्या पूछा नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर आपका 44 भी हो सकता है, यहाँ पर आपका 55 भी हो सकता है, तो बड़ी संख्या कभी नहीं पूछा जाएगा, छोटी संख्या ही पूछा जाएगा, इसलिए आपको 0 लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए ये समीकरण बन गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। P+1 माइनस के 7 3 कितना हो गया, 10 बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ P माइनस के 9 बराबर कितना है, 0 है। P बराबर कितना हो जाएगा, 9 को उधर भेज दीजिए, P बराबर आपका 9 हो जाएगा। तो P बराबर 9 हो जाएगा, यानी कि कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो P का मान हमें कितना निकल आया है, P का मान हमें 9 निकल आया है, 9 निकल आया है, क्लियर। तो यही छोटा सा काम करना था, विषम स्थान पर जो संख्या होती है उसको सम स्थान वाली संख्या से घटा देना था, और चूंकि छोटी संख्या निकालना है इसलिए इक्वल में 0 लेके चलेंगे तो हमारा आंसर P इक्वल 9 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं अपने 42 नंबर के प्रश्न पर। एक्स वाई दो सम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्याएं कौन सी हैं, विषम कौन सा, विषम मतलब कौन सी संख्या विषम संख्या है, ये हमें निकालना है। और कब, जब आपका x
और वाई दो सम संख्या हैं, तो एक्स और वाई दो सम संख्या हैं। एक्स का मान हम कुछ मान लेते हैं, क्योंकि आप साधारण तरीके से लगाएंगे तो इसमें आपको फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, तो फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सवाल है, सिंपल तरीके से लगाते हैं। एक्स का मान हम लोग कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी सम संख्या मान लीजिए, तो हम 20 मान लेते हैं। वाई का मान हम लोग 10 मान लेते हैं। क्लियर, अब बात को समझिए ध्यान से, विकल्प ए को लेके चलते हैं। एक्स वाई दो सम संख्याएं, हमने 20, अब एक्स की जहाँ पे 20 लिखेंगे और वाई की जहाँ पे हम लोग जहाँ भी मिलेगा 10 लिखेंगे, और निम्नलिखित विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए, यानी कौन सी विषम संख्या है उसको हमें निकालना है। पहले विकल्प दिया है x प्लस वाई, यानी कि दोनों जोड़ दीजिए, तो 20 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, तो ये तो सम संख्या रहेगी, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। विकल्प बी को लेके चलिए, x माइनस वाई, यानी कि 20 में से 10 घटा दीजिए, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 भी हमारी सम संख्या होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। सी वाले विकल्प को लेके चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है, एक्स प्लस वाई, यानी कि 20 प्लस 10 और प्लस के 1, तो 20 10 जोड़ेंगे आपका 30 आएगा, और 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, क्योंकि ये हमारी क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन नंबर डी भी चेक करना है तो चलिए डी भी चेक कर लेते हैं। एक्स गुणे वाई, यानी कि 20 का 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, तो ये भी हमारी सम संख्या होती है। तो पहला, दूसरा और चौथा आपकी सम संख्या होंगी, आपका तीसरा विकल्प विषम संख्या मिलेगी, तो विषम संख्या ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और इसमें एक्स वाई अगर मान के आप प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये एक लेंथी प्रश्न हो जाएगा, कोई कुछ मान लीजिए, एक्स की वैल्यू कोई भी मान ले सकते हैं, 2, 4, 6 कुछ भी मान सकते हैं, और वाई की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, वहां पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पे। यहां पर y का न्यूनतम मान निकालना है, जिससे संख्या हमारी दिया गया है 267, और यहां पर y है, और यहां पर सॉरी 2 नहीं है, यहां पर 3 नहीं है, यहां पर 2 है। 2 किससे डिवाइड हो जाए, आपका 3 से विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 3 के विभाजिता का नियम क्या होता है, अंकों का योगफल, अंकों का जो योगफल होता है वो अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। ये 3 के विभाजिता का नियम होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अंकों का योगफल निकालते हैं, संख्याओं में जितने अंक हैं उनका योगफल निकालते हैं, यानी कि 2 प्लस के 6 प्लस के 7 और प्लस के, ये प्लस का निशान है, ठीक है, प्लस के वाई और प्लस के 2, ठीक है। और इसको हम लोग किससे विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित करते हैं। चलिए 2 और 6 जोड़ेंगे 8, 8 और 7 में जोड़ेंगे 7 में 14, और 1 15, 15 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17, और प्लस के ये y अभी आपका बचा है और इसको 3 से विभाजित करना है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पर 17 है और y में हम कितना लिख दें, y की जहाँ पर कितना लिख दें कि यहाँ पर 3 से विभाजित हो जाए, तो आपको समझ में आ रहा है y की जहाँ पर अगर आप 1 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 18। यहाँ पर y का मान लिखना नहीं है, ना ही 3 से विभाजित करना है, सिर्फ आपको अंदाजा लगाना है कि वाई का मान क्या हो सकता है जिससे ये पूरी 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 संख्या पूरी तरह से कट जाए। तो वाई का मान अगर 1 लिख देंगे तो ये 18 हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में आप 3 से विभाजित कर सकते हैं। वाई का मान यहाँ पर आप 4 भी लिख सकते हैं, जो 4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, वाई का न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान, तो y का सबसे छोटा मान 1 होगा, ठीक है, उसके आगे के मान अगर आप रखेंगे तो वो बड़े मान निकल के आएंगे, तो सबसे छोटा मान पूछ जा रहा है, इसलिए आंसर हमारा 1 ही सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो y का मान यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, सबसे न्यूनतम 1 रखना पड़ेगा, और बड़ी से बड़ी संख्या के रूप में अगर रखना हो तो यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो y का न्यूनतम मान यहाँ पर कितना होगा, y का न्यूनतम मान 1 होगा, जिससे ये 17 और 1 18 हो जाएगा, 18 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो ये आपका 43 नंबर का प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें विभाजिता के नियम जितने भी हैं आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11 और 12, 13, इन सब के आप याद कर लीजिएगा, उसी पर ये सारे प्रश्न आधारित हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने 44 नंबर के प्रश्न पर। अब यहाँ पर भी किसको विभाजित करना है, एक संख्या दी गई है, 2, 3, 4 और a, ये आपकी संख्या है, को 9 से विभाजित करना है। चलिए 9 से विभाजित करते हैं,
तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालना है जो कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो। तो 9 के विभाजिता का नियम आपको याद होना चाहिए, 9 के विभाजिता का नियम भी वही होता है, अंकों का योगफल किससे विभाजित होना चाहिए, अंकों का योगफल हमेशा 9 से विभाजित होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो चलिए यहाँ अंकों का योगफल निकालते हैं, यहाँ 2 है, प्लस 3 है, प्लस के 4 है और प्लस के ए है, इसको किससे विभाजित करना है, 9 से विभाजित करना है, इसको जोड़ देते हैं, 3 2 5 और 4 9, 9 और प्लस के यहाँ पर ए लिखा गया है, यहाँ पर किससे, 9 से विभाजित करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि ए का मान यहाँ पर कितना रखें कि आपका आंसर यहाँ पर जो संख्या बचे वो 9 से विभाजित हो जाए। तो ए का मान आप 0 भी रख सकते हैं, ए का मान 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा और 9 9 से कट जाएगा। ठीक है, अब ए का मान कितना आप रख सकते हैं, ए का मान 9 भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप 9 रखेंगे तो 18 हो जाएगा और 18 9 से पूरी तरह से कट सकता है। ए का मान आप यहाँ पर 18 भी रख सकते हैं, 18 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27, 27 9 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो ए का मान आप 0 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं और 18 भी रख सकते हैं, इसी तरह से ए का मान आगे भी 27 भी रख सकते हैं, 36 भी रख सकते हैं। तो आगे की बड़ी संख्याएं हमें डिस्कशन नहीं करना है, छोटी संख्याएं ही लेकर चलना है। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ए का मान निकालना है, तो क्या 0 प्राकृतिक संख्या होती है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 से स्टार्ट होती हैं। क्लियर, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान यहाँ पर कितना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान 9 है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, आप पहले ऑप्शन 0 को यहाँ पर टिक मत लगाइएगा, वैसे यहाँ पर विकल्प में 0 नहीं दिया गया है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर जो बी वाला विकल्प होता, यहाँ पर 0 लिखा होता तो आप जल्दबाजी में ऑप्शन बी पर टिक कर देते, 0 पर, 0 पर नहीं करना है क्योंकि छोटी प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होती है। अगर यहाँ 0 हमें विकल्प दिया भी होता तो भी उस कंडीशन में हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को ही टिक लगाते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूछी जा रही है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 9 है, बड़े में आपकी संख्या 18 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, ढेर सारी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन बड़ा हमसे पूछा नहीं गया है, छोटा पूछा गया है और छोटा ही पूछा जाएगा, और ऐसी कंडीशन में आपका आंसर 9 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं, इसके आगे के प्रश्न हम लोग अपने शाम के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न कंप्लीट करने से वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। द मास्टर प्रकाश क्लासेस इस यूट्यूब चैनल का आप लगातार सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर के साथ, आप वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।